बीजापुर के तर्रेम में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते जिन 22 जवानों ने वीरगति पाई उनमें जांजगीर जिला माल खरौदा विकासखंड के पीड़ित गांव का बेटा भी शामिल है। युवक का नाम है दीपक भारद्वाज। सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज अपनी टीम का लीडर थे जो खूंखार नक्सली हिड़मा को घेरने निकले थे। साथ में उनके 2058 की संख्या में और भी पुलिस बल था, लेकिन रास्ते में नक्सलियों द्वारा लगाया गया एम्बुश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मुठभेड़ के बाद जब लापता जवान में दीपक का नाम सामने आया तो उनके पिता राधेलाल माल खरौदा से रायपुर जा पहुंचे, जहां पर अपने पुत्र के शव को देखकर बिलख कर रोने लगे। बाद में अपने पुत्र की वीरगति को गौरव की बात बताई। जोनागुड़ा का एक इलाका गुरिल्ला वार क्षेत्र है, अर्थात छिप कर वार की रणनीति यहाँ पे कारगर होती है। एम्बुश क्या होती है? एम्बुश को हिंदी में घात लगाना कहते हैं, जिसमें पहले से बंदूकधारी व्यक्ति यू आकार की स्थिति बना करके जमीन पे लेटे रहते हैं, झाड़ियों में छिपे रहते हैं और वहाँ से गुजरने वाले पार्टियों पर अचानक हमला कर देते हैं, जिससे सामने वाले को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाता। इसीलिए इसको एम्बुश कहा जाता है। एम्बुश का वास्तविक अर्थ होता है घात लगाना या छिप कर बैठना, और इस जाल में फंसने वालों में से बच पाना बहुत ही मुश्किल होती है। छत्तीसगढ़ के सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।